गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर यूनिट 3 यूजिंग अ कीबोर्ड जो कंटिन्यू चल रही है, एंड प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ी थी, कौन सी की पढ़ी थी, अल्फ़ाबेट कीज एंड नंबर कीज। सो आपको एक एक्टिविटी भी दी रखी थी इससे रिलेटेड, जो आपने अच्छे से कम्प्लीट की है। तो अल्फ़ाबेट कीज कौन सी होती है, जिनसे आप नंबर्स वर्ड्स जिनसे आप सॉरी लेटर्स वर्ड्स सेंटेंस टाइप करते हो, तो वो कौन सी की होती है, अल्फ़ाबेट की होती है। एंड अल्फ़ाबेट की कितनी होती है, 26। नाउ नेक्स्ट की कौन सी थी अपनी, नंबर कीज। तो नंबर कीज से क्या करते हो, नंबर्स टाइप करते हो, तो नंबर कीज कितनी होती है, 0 to 9, 10 होती है। ओके, अब अपन नेक्स्ट की पढ़ेंगे, स्पेस बार। सो स्टूडेंट, स्पेस मतलब क्या होता है, जगह बनाना, है ना। तो स्पेस बार की का भी यही काम होता है, दो वर्ड्स के बीच में ये स्पेस को इंसर्ट करती है, उसमें स्पेस डालती है। जैसे आप अपना नाम लिखते हो, है ना, कि हिमांश सिंह, अब हिमांश के बाद आप स्पेस दोगे, फिर सिंह लिखोगे, ना कि पूरे नाम को एक साथ लिखोगे, स्पेस दोगे ना, तो वो होती है स्पेस बार की। अब आपको पता है कि स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे लंबी की जो होती है वो होती है स्पेस बार, जो आप रेड कलर में देख रहे हो कीबोर्ड में, तो ये है बेटा स्पेस बार की, जो आप कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे बड़ी की होती है, है ना। इसकी साइज जो होती है वो सारी कीज जितनी भी कीज है कीबोर्ड पे उसमें सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो, द स्पेस बार की इज यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जो स्पेस बार की होती है वो इसका यूज क्या होता है, ये वर्ड्स के बीच में स्पेस डालती है, स्पेस इंसर्ट करती है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड, और ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड के ऊपर। ओके, नाउ सेकेंड की इज एंटर की। तो एंटर की का बेटा क्या काम है, देखो एंटर की कौन सी होती है, कीबोर्ड के ऊपर आपको रेड रेड कलर की दो की दिखाई दे रही है ना, तो ये होती है एंटर की। तो एंटर की कितनी हुई, 2, और स्पेस बार की कितनी है, ओनली 1। तो एंटर की का यूज होता है कि ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है, इससे कुछ टाइप नहीं होता है, बट ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आती है, अगली लाइन में ले आती है। जैसे एज वी टाइप ऑन अ कंप्यूटर, द माउस पॉइंटर इज चेंज टू अ कर्सर एंड वी प्रेस द एंटर की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आप माउस पॉइंटर को चेंज करना चाहते हो, उसके कर्सर को चेंज करना चाहते हो कि ये नीचे वाली लाइन में आ जाए या फिर और स्पेस हो जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए, तब अपन प्रेस करेंगे एंटर की को। और जैसे ही आपने एंटर की को प्रेस किया, तो जो कर्सर होगा वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। तो ये होता है एंटर की का यूज, एंड एंटर की कितनी होती है, 2। अब नेक्स्ट बेटा आपकी की दे रखी है डिलीट की एंड बैकस्पेस की। आपको कुछ की के बारे में बताया गया, बाकी कीबोर्ड के ऊपर तो बहुत सारी की होती है। तो डिलीट की एंड बैकस्पेस की का कॉमन डिफरेंस आप ये याद रखिए, दोनों ही वर्ड्स को रिमूव करने का काम करती है, लेटर्स को रिमूव करने का काम करती है, डिलीट करने का काम करती है। बट जो डिलीट की होती है वो तो कर्सर के राइट साइड से कैरेक्टर को डिलीट करती है, और जो बैकस्पेस की होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को डिलीट करती है। ओके, लेटर्स को डिलीट करती है। तो ये है इनमें कॉमन डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया ना, दोनों का काम एक ही है, बट आप इतना याद रखिए कि डिलीट की जो होती है वो राइट साइड से डिलीट करती है, और जो बैकस्पेस की होती है वो लेफ्ट साइड से, कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करती है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अब डिलीट की कितनी है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, कितनी है वो, 2। आपसे पूछ सकते हैं कि डिलीट की कितनी होती है, तो कितनी बताओगे, 2। अब यहाँ पे देख रहे हो बैकस्पेस की, तो बैकस्पेस की जो रेड कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कितनी है ये, ओनली 1। तो बैकस्पेस की कितनी होती है, 1। अब लास्ट की आपकी बुक में दे रखी है एरो कीज। सो स्टूडेंट, एरो कीज होती है, देखो आपको यहाँ पे कलर की हुई की दिखाई दे रही है, तो ये होती है एरो कीज, और ये कितनी है, 4। वेरी गुड। तो एरो की का बेटा क्या काम होता है, ये कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट करने का काम करती है, डायरेक्शन में लेके जाती है, ऊपर जाना है कर्सर को, नीचे लाना है, साइड में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, तो ये काम होता है एरो की का। एंड ऑल्सो यूज इट टू प्ले गेम, एंड गेम के लिए भी आप, खेलने के लिए आप एरो की को यूज़ में लेते हो।
तो यही आपको दे रखा है कि एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन द लेफ्ट राइट अप और डाउन डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा। तो एक्टिविटी में आपको की बतानी है कि आपको ये की आप कौन सी की प्रेस करोगे। तो फर्स्ट तो अपन डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या करना है। सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, फर्स्ट तो रहने देना क्योंकि इसमें तो केवल आपको डिस्कस करना है कि कौन सी की इसमें आएगी। तो ये आप अच्छे से इनको पढ़ोगे सेंटेंस को, इनमें कौन कौन सी की यूज़ में हुई है। सेकंड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑब्जर्व अ कीबोर्ड, काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कीज एंड राइट इट इन द ब्लैंक बॉक्सेस गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे कुछ कीज़ के नेम दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है इन कीज़ के ये बतानी है काउंट करके कि ये कितनी होती है। ओके, नाउ फर्स्ट इज नंबर कीज। तो स्टूडेंट नंबर कीज कितनी होती है, 10 होती है, 0 to 9। सेकेंड इज एंटर की। तो एंटर की कितनी बताई थी मैंने आपको, 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। फिर है स्पेस बार। तो स्टूडेंट स्पेस बार ओनली 1 होती है जो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में। डी है एरो कीज। तो एरो कीज कितनी होती है, 4, अप डाउन लेफ्ट राइट। नाउ अल्फाबेट कीज कितनी हुई, 26। तो ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में कंप्लीट करोगे। ओके, अब यहीं पे आपको दे रखा है देखो की टर्म्स की, कीज़ क्या होती है। तो कीज़ होती है जो स्मॉल बटन कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, वो कीज़ होती है स्मॉल बटन्स ऑन अ कीबोर्ड। एंड कर्सर, तो कर्सर क्या होता है, एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है, एक स्मॉल छोटी सी। ओके, तो वो पोजिशन देखो यहाँ पे, अ स्मॉल वर्टिकल लाइन द शोज द पोजिशन ऑफ द माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर की पोजिशन को वो शो करता है, जब आप टाइप करते हो तो वो वर्टिकल लाइन बन जाती है। ओके, तो ये है बेटा, आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करोगे अपनी बुक में और इन कीज़ के बारे में जो मैंने बताया है वो आप लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।